इट्स रियली हॉट कहते जी, फिर क्यों आए बाहर नीचे जल्दी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज का है एक नया दिन, नई सुबह और एक नई जगह। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का व्लॉग, आपको भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं घर पर थी क्योंकि है समर, यहाँ पर बहुत ही टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका था ये वीक, जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा सकी। इसीलिए मेरे व्लॉग्स बहुत ही लेट आ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब से सॉरी कहती हूँ। और मेरा आज का दिन है स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, देखिए यहाँ पर है दुबई का फ्लैग दुबई एयरलाइन पर, और इसी के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ 15th ऑफ अगस्त जो कि है जश्न आज़ादी इंडिया के लिए। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो आप सबको, जो भी इंडिया से वॉच करते हैं, जो कंट्री के कौन से भी कंट्री के जगह से मेरा ब्लॉग वॉच करते हैं, उन सभी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। यहाँ से आप देख सकते हैं सनसेट पॉइंट, हार्डली मैं अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर हूँ और ये सनसेट पॉइंट से मुझे एक गाना याद आ गया जो कि मैं बचपन में सुनती थी, वो है सूरज हुआ मध्यम और कुछ आगे की लाइंस ऐसी कुछ थी जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसी को रिलेट करता है वो गाना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। डैडी, हाँ डैडी, आपके लिए लाने के, देखो सामने सुपरमार्केट में दिख रहे हैं डैडी। आयत, आपको लेस चाहिए था? यू आयत, डू यू वांट चिप्स? या ओके, सी डैडी इज ब्रिंगिंग, डैडी इज कमिंग, चिप्स, थैंक यू डैडी, बोलो थैंक यू डैडी। अल्लाह, आई थिंक ये ज्यादा टाइट है। डू यू लाइक चिप्स? डू यू लाइक चिप्स? यहाँ से हमने डिसाइड किया था कि जाते जाते पेट्रोल फिलअप करवा लेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन में कहीं पर भी स्टॉप होना ना पड़े। देखो टेस्ला गाड़ी आ रहा हूँ, तुम्हारी टेस्ला मेरी फेवरेट गाड़ी है, बट मेरे को कहीं पुने पसंद पसंद नहीं, तुम्हारे को समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया मेरे को हमर पसंद, मेरे को वो लंबी लंबोर्गिनी, क्या बोलते तू, हाँ लंबोर्गिनी वो पसंद, और वो पसंद है कौन सी गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपॉट, यहाँ पे कौन सी भी वैरायटी का आप चाय ले सकते हैं, कड़क टी या जाफरानी टी, बट अभी क्लाइमेट इतना गर्म है कि हम लोग चाय का सोच भी नहीं सकते, अभी हम लोग आइसक्रीम लेंगे इंशाल्लाह, पहले कॉर्नर जाएंगे, अगर वहाँ पर मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो इंशाल्लाह हम मैकडॉनल्ड्स जाएंगे। बास्किन रॉबिन भी ट्राई करेंगे, मतलब वो मॉल के अंदर जाके लेना चाहते हैं, उसका छोटा सा ब्रांच इधर नहीं है ना आउटलेट। हाँ मैडम, वेल स्मॉल ट्री, देखिए कितना प्यारा सा मंजर लग रहा है, यहाँ पर सूरज गुरु हो रहा है इस टाइम पर, बहुत ही प्यारा सा सनसेट पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। ट्रीज, ट्रीज, ट्री फॉर ट्रीज, ट्रीज, या ट्रीज, बाय बाय ट्रीज, चलिए अब हम जाते हैं कॉर्निश पे, थोड़ी देर कॉर्निश पर मजा लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा रोज से क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है कंपैरेटिवली, नहीं तो 50, 51, 52 ऐसे था, अब भी फिल वक्त हो शायद 40 अप्रॉक्सीमेट, ऐसा 40-38 ऐसा है क्लाइमेट, तो थोड़ी हवा भी है, क्या बोलते हैं आप? इसके लिए तो निकले ना, और यहाँ पे फेंसिंग है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे दुबई में ऐसा फेंसिंग लगा देते जो भी काम होना है, मतलब साइड एरिया जो रहता है ना वहाँ पे ऐसा साइडिंग पर ऐसा फेंसिंग लगा देते, शारजा दुबई कहीं पर भी, वैसे फिलहाल तो अभी हम शारजा में और शारजा के कॉर्निश पे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं अच्छी मानती हूँ कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है, ये रोड्स पे जो कार वगैरह की जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो वरना एक फाइन का फटका अच्छे से लगेगा, 500 दिरहम, 200 दिरहम, 400 दिरहम भी निकल जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए बंदा भी वाय यहाँ पे इतनी दूर थोड़ा सा वर्क करने के लिए, कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए या अर्न करके सेविंग्स के लिए, तो अब फाइंस में देना तो यहाँ पे आई थिंक कुछ ज़्यादा हो जाएगा सेविंग्स इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जितने भी लोग आते हैं हर किसी को अपनी लाइफ बनाना है, ऐसे नहीं है कि फाइन करके पूरा कमाए से तो यहाँ पर चला जाएगा ऐसे। चलिए खैर ये तो सब चलते रहता है, मैं आपको बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा व्यू बताती हूँ, अभी बिल्कुल हम कॉर्निश के बिल्कुल करीब हैं आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी
हाँ, ये बिल्डिंग के पीछे आप बैक साइड पर देख सकते हैं, सेम दुबई मॉल की तरह यहाँ पर बहुत ही बड़ा शारजा मॉल ओपन हो रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। टू थ्री ईयर्स से शायद वो कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी उस पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर उस आधा स्ट्रक्चर तो उसका कम्प्लीट हो गया है और हम हमारे डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। आप शायद मेरे वीडियो के पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ की रोड से जाते हुए एक बार वीडियो बनाई थी, बट हम लोग कॉर्निश में कभी भी एंट्री नहीं करे थे ब्लॉग्स में। नॉर्मली हम लोग बेसिकली आते रहते हैं इधर मंथली एक बार ऐसा, मगर गर्मा स्टार्ट हुए जब से तो हम लोग नहीं आए, समर स्टार्ट हुए जब से एक बार भी नहीं आए। चलिए हम लोग हमारे पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी कोई रील बना रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं आयत अपनी फरमाइशों की लिस्ट जारी कर चुकी है उनके डैडी के लिए, वो ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह रही थी कि चलो जल्दी जल्दी आए सोने को, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे क्योंकि टेम्परेचर अभी काफ़ी अच्छा है। शायद एक घंटे के बाद पता नहीं, दुबई का ऐसा हो गया अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ी देर में तूफान भी आ सकता है, थोड़ी देर में धूप गर्मी बारिश कुछ भी हो सकती है, ये इसी को तो कहते हैं दुबई यूएई। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल कभी भी हो सकती है। देखने में ऐसा कचरा नहीं डालना कभी भी, किधर बैठा। देखिए कितने प्यारे से झाड़ है यहाँ पे, ये पूरे खजूर के झाड़ है ना, कितनी सफाई करके रखी, देखो बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरहम की एक्साइटमेंट काफ़ी हो गई थी, वो तो अपनी शेल्स कलेक्शन स्टार्ट कर चुका है यहाँ पर और वो स्टारफिश भी ढूंढ रहा है, बट उसको ये नहीं पता है कि ये समर टाइम पर यहाँ पर स्टारफिश नहीं आती है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो विंटर था, जनवरी फरवरी ऐसा आए थे हम लोग, तो विंटर में स्टारफिश आती हैं किनारे पर। और मैं बातों बातों में काफ़ी अंदर तक चली गई, देखिए आप लोग पानी के आगे तक पहुँच गई हूँ और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से वीडियो लेने का। चलिए हम सब मिलकर इन्जॉय करते हैं। और ये है शारजा एक्सपो सेंटर, यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जीबिशंस चलते रहते हैं। इस वक्त शायद बुक्स एग्जीबिशन चल रहा है या ईद उल अज़हा का कुछ चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह क्लोथ स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारे एग्जीबिशंस चलते रहते हैं। और ये है शारजा का एक्सपो सेंटर और शायद ये स्टार्ट हुआ था 23 जून एंड जिसकी फिनिश हुई 2 जुलाई, अभी तो अगस्त चल रहा, शायद कुछ और चल रहा होगा यहाँ पर। और इवनिंग टाइम यहाँ पर बहुत सारा रश आप देख सकते हैं, लोग वॉकिंग पे आते हैं, लोग वॉकिंग पे यहाँ पर आते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा है। और बच्चे भी यहाँ पर प्ले एरिया है दोनों के लिए, साइकिल वगैरह चलाने के लिए, स्केटिंग चलाने के लिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर जो भी फैमिलीज है उनके लिए तो सुपर, वो तो कभी भी आ जा सकते हैं बच्चे स्कूल से आने के बाद, मौसम ठंडा है बाद ऐसा शाम के टाइम पर इवनिंग आवर्स में यहाँ की फैमिलीज को बहुत ही फ़ायदा है। बट हमारे जैसे लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस है क्योंकि हस्बैंड्स आए बाद ही यहाँ पर आना पड़ेगा, तो टैक्सी से हम आ सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि फैमिली कंप्लीट है तो ही मज़ा आता कहीं भी जाने का, ऐसा नहीं है कि हम टैक्सी लेकर कहीं पर भी चल जाएंगे। तो आओ देखो अरहम के लिए, अरहम क्या हो गया, अरहम तुम नेक्स्ट टाइम स्केट बोर्ड लेकर आ जाओ यहाँ पे, बहुत अच्छा है। मुझे बताओ ये वाले बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर अभी रहती है, वॉश कर लेंगे। ओके ठीक है, मेरे तो पूरे पैर रहती हो गए। चलो मैं घर जाकर चेंज कर लेके निकलेंगे, ठीक है। वैसे हमारा घर बिल्कुल पास में ही है, हार्डली 5 to 10 minutes में हम घर पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि हम घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ से सब सही होकर इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे इतने बार इंशाल्लाह। चलिए थोड़ा आइसक्रीम भी है जाते जाते, वो भी कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए कितनी हाइट पर है, मेरी हाइट लगती कि नहीं, क्या लगती
जम करके पकड़ो रहा हूँ। खजूर नहीं है ना इसके ऊपर, निकाल दिए पूरे खजूर, निकाल दिए, नहीं नहीं पूरे निकाल दिए, शायद यहाँ पर नीचे गिर के पूरा खराब कर रहा था शायद। हाँ सीजन हो गया होगा शायद, वो गिर रहे थे होंगे तो कितना सफाई है देखो, वही बोली ना लास्ट टाइम अपन आए तो नीचे गिरे हुए थे, अभी पूरा सफाई क्लीन है एकदम। हाँ यहाँ पर आया तो उनको बहुत मज़ा आ रहा, अरे हमको मैकडोनल्ड जाना है, चलो 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 आए तो हम की एंजॉयमेंट है। ये बच्चे जहाँ पर भी शुरू कर देते हैं ऊपर चलना शौक हो गया, वो हो गया थोड़ा पसंद आ गया ऊपर चलना चलना पसंद। यस हाय मम्मा, हाय हाय हाय, हेलो पिलर से टकरा जाते आए, अगर तुम नहीं निकले ना इस पिलर से टकरा जाते। और यहाँ से हम निकल पड़े थे हमारे घर की तरफ थोड़ा बहुत चेंजेस कर कर, अब हमको जाना था हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और आप इस डेस्टिनेशन को देखने के लिए मेरा दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस क्लिप्स को काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको दो क्लिप्स में डिवाइड किया है। इसी के साथ दुआओं में याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अल्लाह हाफिज़।